14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर एक भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई बंदरगाह पर फोर्ट स्टीकेन नामक मालवाहक जहाज में आग लगने के कारण अग्नि दुर्घटना के दौरान आग बुझाने वाले अग्निशमन दल के 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए। इस उपलक्ष्य में अग्निशमन केंद्र हमीरपुर के कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर वीरगति को प्राप्त हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देकर भविष्य में अग्नि दुर्घटनाओं से होने वाले जान व माल के नुकसान को कम से कम करने बारे जिला वासियों को जागरूक करने का संकल्प लेकर आदेशक गृह रक्षा 10वीं वाहिनी हमीरपुर सुशील कुमार कौंडल की अध्यक्षता में अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान बताया गया कि हर वर्ष कहीं न कहीं किसी न किसी अग्नि दुर्घटना में अधिक से अधिक नुकसान होता है, परंतु गर्मी के दिनों में इस तरह की अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो हम किसी भी अनहोनी को टाल नहीं सकते हैं, परंतु इतना जरूर है कि फायर इक्विपमेंट की समय समय पर देखभाल व सफाई करके इन्हें सही स्थिति में रखें, ताकि किसी भी अग्नि दुर्घटना पर इनका प्रयोग करके अग्नि से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। ये तभी होगा जब हम इसके प्रति जागरूक होंगे, अन्यथा होने के बाद तो सब सतर्क हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें पहले से ही अपने अग्निशमन उपकरणों का रखरखाव करके आग के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। इस दौरान स्थानीय जनता से अपील की गई कि अपने निजी फायदे के लिए वनों में आग ना लगाएं। यदि कोई ऐसा करता हुआ दिखे तो पुलिस पर संबंधित विभाग को सूचित करें तथा वन संपदा को बचाने में भागीदार बने। जो आग जो थोड़ी आग बड़ी हो जाती है, तो चाहे घास के कुन्नी हो, घास के ढेर हो या घर हो, तो उसके नजदीक जितना भी हमारा बर्निंग मटेरियल है उसको जो है वो हटा के उसको साफ सुथरा रख के आग के से होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त घरों में जो पर्याप्त पानी रखना जो है सुनिश्चित करें, ताकि ऐसी दुर्घटना कहीं हो ही जाए तो उसको उससे जो है निपटा आसानी से निपटा जा सके, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी लॉस ना हो।